क्वेट में आके ऐसा गलती आप लोग कभी मत करना, नहीं तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेट का फ्री वीजा को लेकर। जैसे आप सभी को पता है कि कुवैत में फ्री वीज़ा लेके अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन जो वीज़ा में आपको कुवैत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा में कुवैत में आने के बाद आपका एकामा लगा दिया जाता है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है, आपका मर्जी, आप काम ढूंढो, काम करो, लेकिन ये कुवैत में लीगल नहीं है, ये इलीगल है। काम करते हुए आपको पकड़ा जाएगा तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा आते हैं, आके काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग ऐसा काम मत करो, लेकिन आप में से जितने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप ऐसा वीजा लेते हो कुवैत से, ये वीजा बहुत ही एक्सपेंसिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, किसी भी कुवैती का घर का वीजा मत लो। घर का वीजा में एक रेंज होता है, जो कुवैती का घर का इतना एरिया के अंदर ही वो जा सकता है, उसके बाहर जाएगा तो उसको पकड़ा जाता है। ये बहुत ही प्रॉब्लम है, इवन रोड में घूमते हुए पकड़ा जाता है, फिर भी मुश्किल है। इसलिए घर का वीजा मत लो, ऐसा वाला वीजा। दूसरा, जो कंपनी का वीजा होता है, ये कंपनी का वीजा आप लोग जब लेते हो, कंपनी का वीजा लेने के टाइम आप लोग ध्यान रखो वीजा टाइप के बारे में, ये वीजा कौन सा है, आकुद वीजा है, आहली वीजा है, कौन सा वीजा है, ताकि आने के बाद एक साल आप चुप चुप के काम करने से उसके बाद अपना वीजा को ट्रांसफर कर सको। बहुत सारा वीजा है जो ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए ये ध्यान रखो, जिससे भी आप वीजा ले रहे हो उससे बात करो, उसको पूछो ट्रांसफर होगा या नहीं, तब जाके आप जितना पैसा खर्चा किया है उसका बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन वो भी एक साल के बाद, एक साल के अंदर आपको पकड़ा जाएगा तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा वीजा लेके आओ, फिर भी लोग आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी बात, कुवैत में आपका जो वीजा होता है, आप जहाँ पे काम करोगे वहां पे ही वीजा रहना पड़ता है, ये कुवैत का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपका चाहे 20 वीजा हो घर का तो घर पे आपको काम करना है, 18 वीजा हो कंपनी का तो कंपनी में आपको काम करना है, जिस कंपनी में आपका वीजा लगा हुआ है उसी कंपनी में। इसलिए ये रिस्की काम है। आप में से जितने सारे लोग ऐसा वीजा लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मत लो, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन अच्छा नहीं है, जो भी चेकिंग चलाया जा रहा है, एक बार आपको पकड़ा जाएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप दोबारा कुवैत में नहीं आ सकते हो, और जो पैसा आपने खर्चा किया है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक वीजा का कॉस्ट लगभग इंडियन 3.5 लाख से 4 लाख रुपया तक होता है, तो आप लोग सोच लीजिए, इतना पैसा लगा के आ जाए, कल काम पे गए परसों भेज दिया जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो। एंड ऑल्सो, कुवैत में जितने सारे लोग आप में से आने चाहते हो या आने के बारे में सोच रहे हो या कुवैत में हैं, तो ये गलती आप लोग जिंदगी में कुवैत में कभी नहीं करना, जो चोरी। चोरी आप लोग कुवैत में कभी करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि रिसेंटली एक बंदा ने ऐसा किया था, उसके साथ जो हुआ है मैं क्या बताऊँ आप सभी लोगों को। इसलिए ये गलती आप लोग कभी मत करना, क्योंकि एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पकड़ना बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। ये मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त काम करता है एक शॉप में जहाँ पे चोरी हुआ था, ये मैंने देखा है कि 2-3 घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया गया है। इसलिए ये गलती से भी आप लोग ये गलती मत करना। एंड ऑल्सो गाइस, कुवैत में बहुत सारे चीज इलीगल है, कुवैत में वो लीगल नहीं है, ये काम आप लोग कभी मत करना। चाहे एक होता है गुटखा, गुटखा कुवैत में इलीगल होता है, जो आप लोग कभी मत खाना कुवैत में, अगर आपको खाते वक्त पकड़ा जाएगा तो आपके लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। एंड ऑल्सो, जो लोग लोन लेते हैं कुवैत में, इंटरेस्ट रेट में लोन लेते हैं, सोचते हैं कि मैं लेके चला जाऊंगा अपना कंट्री में नहीं दूंगा, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुवैत में आप अगर किसी भी लोन पे कुछ चीज लिए हो या लोन लिए हो तो आपको एयरपोर्ट में पे करके उसके बाद आप एयरपोर्ट से निकल सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। एयरपोर्ट में पूरा क्लियर होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो अपना कंट्री में, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो। इसलिए गाइज, इन बातों का हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।